पत्रकार के साथ की गई लूट और मारपीट। मामला औद्योगिक थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले रामपुर चौराहे का है। आपको बता दें कि बीती रात 25 सितंबर को करीब 11 बजे प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज रिपोर्टर निशांत तिवारी नैनी से अपने घर लौट रहे थे कि मामा ढाबा रामपुर से कुछ अज्ञात बदमाशों ने लाल कलर की अपाचे बाइक से उनका पीछा किया। जैसे ही वह पावर हाउस के पास पहुंचे ही थे कि बदमाशों ने बाइक रुकवा कर पिस्टल उनकी कनपट्टी से लगा दी और उनका सारा जरूरी सामान, मोबाइल, पर्स और आईडी छीन ली। विरोध करने पर पिस्टल से उनके सिर पर वार कर दिया, जिससे उनका सिर फट गया। खून से लथपथ निशांत तिवारी भागते हुए चौकी पर पहुंचे तो वहां मौजूद दो कांस्टेबल ने उन बदमाशों का पीछा किया, लेकिन वह भाग निकले। इस घटना की सूचना औद्योगिक थाना SI और थाना प्रभारी को दे दी गई है, लेकिन अभी तक उन बदमाशों का कोई पता नहीं चल पाया है। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज के लिए प्रयागराज से निशांत तिवारी की खास रिपोर्ट। किस तरह से घटना हुई है, कहां पर हुई? हम रामपुर नैनी से लौट रहे थे इलाहाबाद से, रात के करीब 11 बज रहे थे। हम जैसे ही रामपुर स्टेशन के पास, करछना स्टेशन के पास से गुजरे, वहाँ पे कुछ अज्ञात युवक आए। तीन लोग थे, कम से कम छह लोग थे, वो बाइक से थे। एक लाल अपाची थी, एक हरी कलर की यामाहा। वो लोग आए और पिस्टल हमारे कनपट्टी पे सटा करके और मतलब मुझसे कहे कि जो जो कुछ लिए हो सब कुछ मुझे दे दो। तो हमारे विरोध करने पर उन्होंने उसी पिस्टल से हमारे सर पे 3-4 बार वार किया, जिससे हमारा सर फट गया। और हम लहूलुहान हालत में जब क्या कहते हैं रामपुर चौकी पे गए तो वहाँ दो सिपाही मौजूद थे, वो पीछा किए उनका, लेकिन वो नहीं पकड़ पाए। वो सिपाही आके हमसे कहें आप जाके वहाँ से जब थाने पे गए, और औद्योगिक क्षेत्र थाना आपका यहाँ पड़ता है यूनाइटेड के पास, वहाँ पर जब हम गए तो वहाँ पे कोई मतलब SO वगैरह कोई नहीं मौजूद थे। दो सिपाही वहाँ पे भी मौजूद थे, उन्होंने कहा एप्लीकेशन लिख के दे दीजिए, और हमें कहीं मेडिकल के लिए नहीं भेजा गया और न हमारे साथ कोई अभी तक कार्रवाई की गई। आपके साथ जो घटना हुई उसमें क्या आपके साथ लूटपाट भी हुई? हमारे साथ लूटपाट हुई, हमारा मोबाइल, पर्स जिसमें ATM था, पैन कार्ड था, मेरा आधार कार्ड था, मेरा सारी जरूरी डॉक्यूमेंट थे उसमें, सब कुछ मेरा छीन लिया गया है। मुझे, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा था उस समय, और मुझे बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से, दो लोग थे हम लोग, मारा भी गया हम लोगों को, छह लोग के करीब वो लोग थे। कितनी समय की घटना है ये? रात 11 बजे की घटना है। आपका नाम? नाम, मेरा नाम निशांत तिवारी, कौन सा गांव? रुकड़ी गांव, करछना।